मैं कह रहा हूँ जो संविधान में एससी एसटी के अधिकार लिखे हुए हैं हमें वो दे दो तो मैं जातिवादी हो गया। मैं अपने लिए रोटी मांग रहा हूँ, मैं अपनी सुरक्षा मांग रहा हूँ, मैं अपने संविधानिक अधिकार मांग रहा हूँ, तो वो तो संविधान में लिखा है एससी एसटी, तो मैं ये जातिवादी हो गया। तो इनको इल्जाम लगाने दो, हमें हमारा संविधानिक अधिकार चाहिए। आप जातिवादी समाज को अपने डाइनिंग टेबल में खाना खिला रहे हैं। हाँ तो हमने कह दिया ना, विरोध कर दिया ना कि भाई आप उसको डाइनिंग टेबल पे मत बिठाओ, हमें परमानेंट कर दो, हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, दिल्ली के अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, हमारे 2,00,000 लोग कच्चे हैं 20-20 साल से, हमें परमानेंट लेटर दे दो नौकरी का, 50,000 तनख्वाह कर दो। गुजरात में हम जा करके कहेंगे अपने समाज को कि आप इन लाला जी को वोट करो, क्योंकि हमें परमानेंट नौकरी चाहिए। भाई हमें रोटी एक आदमी को खिला दी तो सबका पेट थोड़ी भर गया, या अपने घर में बिठा करके हमारे सोने चांदी हीरे मोती थोड़ी लटक गए। हमें भैया गाना नहीं, ना खिलाना है ना खाना है, हमें तो चाहिए कि भाई हमें पक्की नौकरी कर दो, हमारा बजट दे दो। और जो लाला केजरीवाल ने जो स्किल्ड एंड इंटरप्रेन्योर जो यूनिवर्सिटी दिल्ली की बनी है 2020 में, उसमें जो हमारा एस सी एस टी का रिजर्वेशन खत्म किया है उसको लागू कर दे, भाई हम गुजरात जाके हम आपके पक्ष में समर्थन करेंगे कि भाई इनको वोट करो, इन्होंने हमारा पक्के कर दिए, रिजर्वेशन बहाल कर दिया। और जो इन्होंने बजट ये 2021-22 का बजट, इसमें जो हमारा एस सी एस टी कंपोनेंट प्लान का पैसा आता था उसको जनरलाइज कर दिया है, उसको वापस उसमें ला कर दे दो। जो दिल्ली सरकार है वो तो अपने आप को खुलेआम जातिवाद फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने आप को बनिया बता रहा है, उप मुख्यमंत्री अपने आप को राजपूत बता रहा है। तो जब ये तमाम जातिवादी लोगों के हाथ में आप सत्ता दे दोगे, प्रशासन दे दोगे, तो भाई हमें तो भुगतना पड़ेगा। प्रशासन से सत्ता सब उनको दे दी, और जितने बहुजन यहाँ पर घूम रहे हैं, राजनीति की एक बात नहीं करता कि राज दिल्ली तो जीत लो भाई, 70 सीटें हैं, सब मिलके दिल्ली तो ले लो। देखिए हमारी एक प्रोफेसर को यहाँ की जो जातिवादी प्रोफेसर, अपर कास्ट की अपने आप को समझने वाली प्रोफेसर, उन्होंने उनको साथ उनके बदतमीजी की, उनके साथ गाली गलौच और दूसरी चीज़ें की उनके साथ, तो इसीलिए वो 2 साल से मैटर पेंडिंग है। और जब दिल्ली पुलिस में उसकी कंप्लेंट गई, केस रजिस्टर्ड हुआ, तो उसके बाद जाँच के नाम पर जब में जब केस मामला दर्ज होता है तो एसीपी उसका आईओ होता है, और जब वहाँ पर आईओ ने उसकी इन्वेस्टिगेशन, जबकि अरेस्ट करना चाहिए था लेकिन इनको बेनिफिट इसलिए दे दिया क्योंकि प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो उस पर जाँच होने के बाद भी जब जाँच हुई तो एसी खुद आईओ की रिपोर्ट में ये आया कि जो 35 विद्यार्थी जो उन्होंने यहाँ पर जो दिए थे उसमें, जो यहाँ पर 35 विद्यार्थियों का जो अपने समर्थन में पत्र वो दिया गया था गवाही, तो वो बिल्कुल फर्जी निकले, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, किसी कॉलेज नाम नहीं था। तो कोर्ट ने उसमें कहा कि पुलिस को कार्रवाई करने को, कि जो कार्रवाई करनी है, जो उन्होंने उस पर रिपोर्ट जांच की है, तो अब उन्होंने कह दिया भैया गिरफ्तार करो। तो अभी तक जो यहाँ का जातिवादी और अपर कास्ट का जो कब्जा है जिस इस दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर, जातिवाद नजर आता है, नहीं बिल्कुल आता है, ये तो दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे एक प्रोफेसर एससी की, जब कोर्ट ने जब कह दिया कि गिरफ्तार करो एससी एसटी एक्ट में, तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? और जो जातिवादी लोग हैं, नहीं पुलिस का काम तो है, पुलिस भी तो जातिवादी है ना, वहाँ पर वो कौन है आईओ, वहाँ पर कमिश्नर कौन है, एसीपी कौन है, और वहाँ पर डीसीपी कौन है, और वो पुलिस वाले कौन है, वो तमाम वही तो है ना जो अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं, और जो वो तमाम लोग, तो इसे सब मिली जुली चौकड़ी है। और दुख की बात यह है कि भारत की सरकार भी वो भारत की सरकार भी अब वो मनुवादियों की है कि जो उनको प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन कहा जा रहा है डॉक्टर रितु बच्चों का सहयोग नहीं करती थी। नहीं देखिए ये अलग ही है, ये डिपार्टमेंटल जांच की बात है, अगर होगी तो आप उनको जातिगत अपमानित करोगे क्या? अगर कोई प्रोफेसर प्रिंसिपल, उनको आप नोटिस दो ना कानून में, मैं भी ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, अगर किसी प्रोफेसर ने, शिक्षक ने, या कोई अधिकारी या वर्कर अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, तो उनको चार्जशीट दी जाती है, मेमो दिया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है, शो कॉज नोटिस होते हैं कि भाई आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं, आप दीजिए, तो आप उसको क्या जातिगत अपमानित करोगे? सर कहा जाता है गांव देहात में जातिवाद होता है, छुआछूत भेदभाव होता है, ये तो शिक्षा संस्थान है दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा। सर देखिए ये सब कहने की बातें हैं, यहाँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जो दिल्ली सरकार है वो तो अपने आप को खुलेआम जातिवाद फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने आप को बनिया बता रहा है, उप मुख्यमंत्री अपने आप को राजपूत बता रहा है। तो जब ये तमाम जातिवादी लोगों के हाथ में आप सत्ता दे दोगे, प्रशासन दे दोगे, तो भाई हमें तो भुगतना पड़ेगा। प्रशासन से सत्ता सब उनको दे दी, और जितने
बहुजन यहाँ पर घूम रहे हैं, राजनीति की एक बात नहीं करता कि राज दिल्ली तो जीत लो भाई, 70 सीटें हैं, सब मिलके दिल्ली तो ले लो, नहीं जी सब अलग है, हमारा काम नहीं है राजनीति। केजरीवाल आप जातिवाद बता रहे हो, वाल्मीकि समाज को अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खिला रहे हैं बैठा के। हाँ तो हमने कह दिया ना, विरोध कर दिया ना कि भाई आप उसको डाइनिंग टेबल पे मत बिठाओ, हमें परमानेंट कर दो, हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, दिल्ली के अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, हमारे 2 लाख लोग कच्चे हैं 20-20 साल से, हमें परमानेंट लेटर दे दो नौकरी का, 50,000 तनख्वाह कर दो। गुजरात में हम जा करके कहेंगे अपने समाज को कि आप इन लाला जी को वोट करो, क्योंकि हमें परमानेंट नौकरी चाहिए भाई, हमें रोटी एक आदमी को खिला दी तो सबका पेट थोड़ी भर गया, या अपने घर में बिठा करके हमारे सोने चांदी हीरे मोती थोड़ी लटक गए। हमें भैया गाना नहीं, ना खिलाना है ना खाना है, हमें तो चाहिए कि भाई हमें पक्की नौकरी कर दो, हमारा बजट दे दो। और जो लाला केजरीवाल ने जो स्किल्ड एंड इंटरप्रेन्योर जो यूनिवर्सिटी दिल्ली की बनी है 2020 में, उसमें जो हमारा SC ST का रिजर्वेशन खत्म किया है उसको लागू कर दे भाई, हम गुजरात जाके हम आपके पक्ष में समर्थन करेंगे कि भाई इनको वोट करो, इन्होंने हमारा पक्के कर दिए, रिजर्वेशन बहाल कर दिया। और जो इन्होंने बजट ये 2021-22-23 का बजट, इसमें जो हमारा SC ST कंपोनेंट प्लान का पैसा आता था उसको जनरलाइज कर दिया है, उसको वापस उसमें ला कर दे दो। आपको क्या लगता है डॉक्टर रितु को जातिवाद के कारण यहाँ पर प्रताड़ित? ये तो बिल्कुल 100% जातिवाद का मामला है, क्योंकि जो जातिवाद का मामला नहीं होता तो FIR SC ST एक्ट में नहीं दर्ज होती, वहाँ जाँच SC ST एक्ट में नहीं होती, और फिर कोर्ट ये नहीं कहता कि भाई SC ST एक्ट बिल्कुल ठीक लगा है, क्योंकि ये जातिगत इनके ऊपर एट्रोसिटी हुई है, तो ये बिल्कुल जातिगत मामला है। और जो कि मैं एक अलग आदमी हूँ कि अगर जातिगत नहीं होता तो हम चाहे अपना आदमी हो कोई हम कह देते हैं, लेकिन ये तो पूरे तथ्य बता रहे हैं, पूरे एविडेंस बता रहे हैं। हजारों दलित प्रोफेसर उनके साथ तो नहीं हुआ है सर, रितु के साथ क्यों हुआ? नहीं देखिए, ये भी एक विरोधाभास होता है, कंट्राडिक्शंस हैं, और जो कमजोर दिखाई देता है या जो सामने आ जाता है उसी को पकड़ लेते हैं वो, क्योंकि उनका ये है कि सबको नहीं कहते, किसी एक एक को टारगेट करते हैं, टारगेट करके जिससे कि उनका प्रेशर बना रहे, उन जातिवादियों का डर बना रहे। और हमारे जो बाकी दलित प्रोफेसर हैं उनके साथ आके खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहे, अगर वो नहीं हो रहे तो कल को उनके साथ भी होना अवश्यंभावी है, हर हालत में होगा। लेकिन आरोप लग रहा है कि रितु जो है डॉक्टर वो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलती थी, तो आप उनको चार्जशीट दो ना मेमो, दो जवाब मांगो उनको, आप डिपार्टमेंटल आप इंक्वायरी कंडक्ट कराओ, उसको डोमेस्टिक इंक्वायरी बोलते हैं, उसके बाद एक्शन लो। लेकिन उनको जातिवादी तरीके से अपमानित करना, उनको वो करना, ये कहाँ की बात है भाई? आपको इल्जाम ये लग रहा है कि आप दलित पॉलिटिक्स के लिए माइलेज ले रहे हैं? नहीं बिल्कुल, हम तो ले रहे हैं, क्योंकि जब हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम अपनी बात ना करें। तुम्हें सब कुछ, धन तुम्हारे पास, धरती तुम्हारे पास, सत्ता तुम्हारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे पास, तब भी तुम कहते हो मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो पंडित जी हूँ। तो अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, संविधान में SC ST अलग लिखा हुआ है, हमारे मैं कह रहा हूँ जो संविधान में SC ST के अधिकार लिखे हुए हैं हमें वो दे दो तो मैं जातिवादी हो गया। मैं अपने लिए रोटी मांग रहा हूँ, मैं अपनी सुरक्षा मांग रहा हूँ, मैं अपने संविधानिक अधिकार मांग रहा हूँ, तो वो तो संविधान में लिखा है SC ST, तो मैं ये जातिवादी हो गया, तो इनको इल्जाम लगाने दो, हमें हमारा संविधानिक अधिकार चाहिए। वो भी फिल्मी हो रहा है यहाँ पर SC ST को, ये बेचने ना सारी ये प्रॉपर्टी, देख रहे हो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये JNU सारे, और अब तो और ITDC का अशोक होटल भी बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, देखे वहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो पार्क है जो अशोका होटल ITDC के सामने जमीन है वहाँ अपार्टमेंट बनाएंगे, ये सारी जमीन इनके उसमें है, तो ये सब लालाओं को बेच देंगे और बेच करके इसमें सबको निकालेंगे परमानेंट को, इसीलिए बैकलॉग नहीं भर रहे, परमानेंट को नहीं भर, ये जनरल को नहीं भर रहे तो SC ST को कहाँ से भरेंगे, ये सब खत्म करके ये अपने उन लालाओं को दे देंगे, अंबानी अडानी इन्हीं सबको दे करके दुनिया का मालदार बनाएंगे। तो उनकी साजिश देखिए, दबाव बनाने की आप सोच सकते हैं, लेकिन हम अपने साथी, अपने SC ST के प्रोफेसर साथी के साथ खड़े होने आए, हम उनको सॉलिडरिटी में आए, उनके और सरकार को बताने आए और यहाँ प्रशासन को कि भाई कार्रवाई कर दो, नहीं तो फिर ये आंदोलन ज़्यादा बढ़ेगा, इसको हम हर तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के हर मंच पर हम इसको तुम्हें धिक्कारेंगे और पूरी देश दुनिया में इसको लेकर के जाएंगे, और दिल्ली विश्वविद्यालय को हम अपमानित करेंगे कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय जिसकी जिम्मेदारी है इस देश में सबको भारतीय बनाना, जातिवाद के खिलाफ बताना, Article 17 को बताना कि भाई जातिवाद अपने उसमें मतलब चरित्र में, अगर प्रोफेसर लेकर के आएंगे तो फिर इस दिल्ली विश्वविद्यालय को हम पूरी दुनिया में नंगा करेंगे, ये हम कहने आए।